इस वक्त भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर पटना से, बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। बिहार विधान परिषद के साथ सीट पर जो 20 जून को चुनाव होना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अनिल शर्मा और हरीश साहनी को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। बड़ी खबर इस वक्त की, तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों उम्मीदवार के नाम घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। तो पटना से ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। दो नाम अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने दोनों नामों का, दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, बीजेपी के नेता संजय मयूख ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार के नाम अनिल शर्मा और हरी साहनी है, जिन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी है। पटना से ये बड़ी खबर, 20 जून को बिहार विधान परिषद के 7 सीट पर चुनाव होने हैं, और इसके लिए हरेक राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया भी है। और ऐसे में जेडीयू ने भी इसका ऐलान किया है, राजद ने कर दिया है, और इसके साथ ही साथ अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, अनिल शर्मा और हरी साहनी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता निषेध ठाकुर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, बिहार विधान परिषद के लिए अब दो उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अपने दोनों ही एमएलसी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है नाम का। और पहले से हमने बताया था कि अनिल शर्मा और हरीश साहनी के नाम पर चर्चा तेज थी, और दोनों ही दावेदार जो टिकट क्लियर था उसमें आगे चल रहे थे, लिहाजा पार्टी ने अब इन दोनों को ही उम्मीदवार बना दिया। खबर पर भी मोहर लग गई, और खुद बीजेपी के जो एमएलसी है संजय मयूख, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। एक योग्य सुयोग्य और अनुभवी कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके तहत जहानाबाद निवासी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे अनिल शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया है। और दरभंगा जिले के जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और हमारे समर्पित कार्यकर्ता हरी सहनी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जिस प्रकार से एक अच्छा निर्णय पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति किया है, इसके लिए बहुत बहुत सम्मान। एक बड़ा तीन एक का, जेडीयू ने दो उम्मीदवार की घोषणा की, आज आप लोग दो कर रहे हैं। कोई पेच नहीं है, एनडीए एकजुट है, एक गुट है, और बिहार के विकास का संकल्प है। इस संकल्प के रास्ते में हम सभी मिलजुल कर पुनः एक बार जीत दर्ज करने जा रहे हैं। वीआईपी के नेताओं ने कहा कि हमारी बात मानी है बीजेपी ने, इसके धन्यवाद देते हैं। हमने मांग की थी कि निषाद समाज के किसी प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए। हम तो अंत्योदय के रास्ते चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पहला सिद्धांत है अंत्योदय। तो हम तो पहले भी अर्जुन सहनी जी को हमने उम्मीदवार बनाया था, आज भी हरी सहनी जी को उम्मीदवार बनाया, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुकेश सहनी जी की भी बात रखी गई भाई, हम बिहार की जनता की बात रखते हैं।